हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल फास्ट फैक्ट वर्ड्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रहा है, बेल आइकन के साथ क्लिक कर लीजिएगा। ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? करेक्ट आंसर है शहद। शहद गाइस कभी भी खराब नहीं होता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। किस देश में चुनाव हर साल होते हैं? तो गाइस करेक्ट आंसर है सैन मैरिनो। यहाँ पर चुनाव हर साल होते हैं, जैसे इंडिया में 5 साल पे होते हैं या कई देशों में 4 साल पे होते हैं, लेकिन सैन मैरिनो में हर साल चुनाव होते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। चाय की खोज किस देश में हुई थी? तो करेक्ट आंसर है गाइस चीन। चाय की खोज करने वाला देश चीन था। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम के रचयिता कौन है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो पोएम है उसके रचयिता है जैन टेलर। दुनिया के किन दो देशों में कोका कोला बैन है? तो गाइस नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, इन दो देशों में कोका कोला पर बैन लगाया गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? January 6, 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। सबसे भारी दिमाग किस जीव का होता है? करेक्ट आंसर है गाइस स्पर्म वेल। सबसे भारी दिमाग स्पर्म वेल का होता है।
इस देश में सिर्फ 825 लोग ही रहते हैं। वेटिकन सिटी, यहाँ पे जो लोगों की जनसंख्या है वो 825 लोगों की है। सबसे बड़ा खोजा गया एस्टेरॉयड कौन सा है? सबसे बड़ा खोजा गया एस्टेरॉयड है सीरियस। कौन सा फल रेडियोएक्टिव होता है? केला, केला एक ऐसा फल है जो रेडियोएक्टिव होता है। अंतरिक्ष में बोली गई सबसे पहली भाषा कौन सी है? तो रशियन ऐसी भाषा है जो अंतरिक्ष में बोली गई सबसे पहली भाषा है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? वर्ल्ड वन 285 मीटर की ये बिल्डिंग है जो भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। लाल हाथी किस देश में पाए जाते हैं? केन्या, केन्या में लाल हाथी पाए जाते हैं। कौन सा देश 2011 में आजाद हुआ? करेक्ट आंसर है साउथ सूडान, जो 2011 में आज़ाद हुआ है। किस पक्षी की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिच। सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? करेक्ट आंसर है जापान। सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे न्यू चैनल द सोशल पाई को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।